दोस्तों हमारे इस रिपोर्ट में आज हम आप सबके बीच बात करेंगे अमृता सिंह और सैफ अली खान पटौदी के बारे में। ये तो सबको पता ही है कि सैफ और अमृता का जब तलाक हुआ था उस वक्त इनके बीच इस तरह से तलाक हुआ कि पटौदी परिवार अंदर से टूट गया था। कारण ये है कि पटौदी परिवार के दो नन्हे मुन्हे बच्चे सारा अली खान पटौदी और इब्राहिम अली खान पटौदी दोनों की ही कस्टडी अमृता सिंह के नाम हो गई थी और अमृता ने पटौदी परिवार को छोड़ा, सैफ से शादीशुदा रिश्ते पर विराम लगाया और पटौदी परिवार की बहू होने का रिश्ता खत्म किया। तो इससे कहीं ना कहीं पटौदी परिवार से वो हक भी अमृता ने छीन लिया अपने ही घर के बच्चों पर प्यार लुटाने के लिए। शर्मिला टैगोर से लेकर सैफ अली खान को समय का इंतज़ार करना पड़ता था, मोहलत का इंतज़ार करना पड़ता था। सैफ ने यह बात कई बार खुलासे के ज़रिए की थी। सैफ ने अमृता सिंह पर काफ़ी गंभीर इल्ज़ाम लगाए थे, लेकिन क्या आप सबको मालूम है सैफ का जो ये कहना था कि उनकी पत्नी, पहली पत्नी अमृता, उन्हें उनकी बहनों को, उनकी माँ को भद्दी गालियाँ दिया करती थी, उनका अपमान किया करती थी, उनका ये खुलेआम पब्लिकली इस तरह से अमृता सिंह के खिलाफ बोलना अमृता को काफ़ी चौंका गया था। अमृता पूरी तरह से नम हो गई थी, स्तब्ध हो गई थी, उनके पास शब्द नहीं थे इस पर वो कैसा बर्ताव करे। शायद सैफ ये भूल गए थे अमृता सैफ के तलाक की वजह अमृता का सिर्फ व्यवहार नहीं था, सैफ अली खान का वो धोखा था जिसकी घोट को उन्होंने, अमृता सिंह ने कैसे पिया होगा। अपने जीवन साथी के लिए अपनी करियर को उड़ान पर अचानक से अलविदा कहकर, अपनी करियर को पिक पर छोड़कर अपने बच्चों और परिवार के लिए समर्पित हुई अमृता सिंह को जब जीवन साथी यानी कि सैफ से धोखा मिला होगा तो सोचिए उनका क्या हश्र हुआ होगा। हमारे इस रिपोर्ट में हम आप सबको बताएंगे कि अमृता सिंह और सैफ के बीच रिश्ते में आई दरार का कारण माना जाता है वो रोमानियन डांसर जिनका नाम रोज़ा बताया गया था, जिनके साथ सैफ के रिश्ते काफ़ी गहरे होते चले गए थे और वो उनके साथ रहने भी लगे थे और इससे अमृता के दिल में सैफ की जो जगह थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। सैफ के लिए अमृता सिंह उनकी पत्नी थी, लेकिन अमृता की ज़िंदगी में उनके जीवन साथी सिर्फ और सिर्फ धोखेबाज का चेहरा लेकर घूम रहे थे उनके आसपास, उन्हें ऐसा महसूस हुआ था। एक चैट शो में सैफ अली खान पटौदी ने सालों बाद ये एक्सेप्ट भी किया था कि अपनी लाइफ में वंस इन अ लाइफ यानी कि अपनी लाइफ में एक बार अपनी जीवन साथी को उन्होंने धोखा दिया था, उन्होंने चीट किया था। ये इशारा उन्होंने अमृता के साथ रिश्ते में रहते वक्त रोज़ा के साथ रिलेशन में आने की बातों की तरफ ही कहा था। कई रिपोर्ट्स के ये दावे हैं और वो दावे शायद गलत तो हो नहीं सकते क्योंकि सैफ ने भी इसे कभी साफ मना नहीं किया, लेकिन वही सैफ अली खान अमृता से तलाक के बाद अमृता के पैसे मांगने की जिद पर बात कर रहे थे। सैफ का कहना था कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे, फिर भी अमृता की डिमांड हाई थी। सैफ का कहना था कि अमृता ने उनकी माँ, उनकी बहनों को काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत किया था। सैफ का कहना था कि अमृता तलाक के बाद उनके बच्चों को सैफ से मिलने नहीं देती थी। कई इल्ज़ाम सही थी अमृता और फाइनली इस पर जब वक्त आया था अमृता को रिएक्ट करने का तो अमृता सिंह ने सैफ अली खान के इल्ज़ामों का जवाब देने के बजाय, उन्हें झूठा साबित करने के बजाय, उनके धोखे पर खुलकर बात करने के बजाय ये कह दिया था कि मैं शांत रहना चाहूँगी। जी हाँ, और पूरे समय तक वो शांत रही, इतने इल्ज़ाम वो सहती रही और वो चुपचाप सुनती रही, चुपचाप अपना तमाशा होते देखती रही, दिल के अंदर उठे तूफान को दबा कर रखती रही। क्यों अमृता ने ऐसा किया था? पूजा बेदी को दिए गए इंटरव्यू में अमृता ने इस बारे में खुद बताया था।
इतना कुछ उनके खिलाफ ओपनली बोला जा रहा था। इस पर उन्होंने एक बार भी पॉइंट आउट नहीं किया था। अपने सफाई में खुद को सही साबित करना ज़रूरी नहीं समझा था। अमृता ने ये कहा था, इतना कुछ कहा गया, इतना कुछ किया गया मेरे खिलाफ, लेकिन मैं अपनी निजी ज़िंदगी में होने वाली चीज़ों के बारे में खुलकर बात करना या फिर मैं कितनी तकलीफ़ में थी, मेरे खुद के क्या विचार थे, इसे सबके सामने या किसी के भी सामने शेयर करना उस वक्त ज़रूरी नहीं समझती थी। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे अपने बारे में या फिर अपनी राय को या अपनी सफाई में किसी को कुछ बताने की ज़रूरत है या फिर किसी को हक है उनके बारे में सच जानने की। जी हाँ, उन्हें लगता था कि इससे अच्छा होगा कि वो अपनी ज़िंदगी में प्राथमिकताएं उन चीज़ों को दे जो ज़रूरी है, जैसे कि उनके बच्चे और सबसे ज़्यादा वो खुद को और अपने बच्चों को अटेंशन देना चाहती थी और उन्हें अटेंशन देना ही उनकी प्राथमिकता थी, प्रायोरिटी थी। अमृता ने कहा था, मुझे इसके अलावा कई चीज़ों से डील करना था, बच्चों को कैसे बड़ा करना है, उनकी परवरिश कैसे बेहतरीन करनी है, उनके फ्यूचर कैसे बनाने हैं, इस पर उनका पूरा ध्यान रहता था, इसलिए नेगेटिविटी की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता था। जैसे कि मीडिया और वो लोग जो उनकी पर्सनल ज़िंदगी में इंटरेस्टेड थे, उन्हें अपने बारे में बताने में ज़रा भी अमृता को इंटरेस्ट नहीं था। अमृता अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन बच्चों से अलग किसी के बारे में सोचने के बारे में वो वक्त ज़ाहिर करना ज़रूरी नहीं समझती थी। एक समय अमृता ने काफ़ी वेट गेन किया था जब उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कहा था। तब अमृता सिंह के बच्चे उन्हें लेकर एम्बैरस्ड होते हैं, इसलिए उन्हें अपना वेट कम करना पड़ा और अपनी बेटी की आंखों में गर्व महसूस करते देख उन्हें काफ़ी सुकून मिला था। बता दें 2004 में सैफ और अमृता ने डाइवोर्स लिया था। साल 1991 में इनकी शादी हुई थी। अमृता सैफ से 12 साल उम्र में बड़ी थी। इनकी शादी को उस वक्त मंजूरी परिवार ने नहीं दी थी, लेकिन बाद में दोनों को एक्सेप्ट किया गया था। दोनों के रिश्ते में दरार के पीछे का कारण लगातार झगड़े और एक दूसरे के साथ बहस थे। सारा ने भी इस पर कई बार बताया था कि उन दोनों का अलग होना ज़रूरी था, क्योंकि साथ रहकर ये दोनों खुश नहीं थे। सैफ ने अमृता को 5 करोड़ रुपए तलाक के वक्त एलिमनी के तौर पर दिए थे। सैफ अमृता का रिश्ता इस कदर टूटा कि फिर ये दोनों साथ एक दूसरे के साथ तभी नजर आए जब बच्चों की ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान फॉरेन में पेरेंट्स को साथ होने की ज़रूरत थी।